दोस्तों, जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देखा होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25x50 का हाउस प्लान, 25x50 का हाउस प्लान मैं डिस्कस करूंगा। आप देख सक रहे होगे, ये मॉडल आपका दिख रहा है 25x50। इसका पूरा इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों, अंदर और बाहर का मैं पूरा डिजाइन डिस्कस करूंगा, कितने रूम्स बने हैं। और इसमें आपको विद कार पार्किंग मिलता है। ये 25x50 में मैंने डिजाइन किया है हाउस प्लान, तो इसमें कार पार्किंग और एक आपको बेहतरीन सा ग्राउंड भी मिल रहा होगा, देख सकते हो। तो यहाँ पर आप प्ले कर सकते हैं अपने आपके बच्चे या जो भी है, इसको आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने 3 फ्लोर बनाए हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट और सेकेंड। तो अब इसको डिस्कस करेंगे हम बारी बारी। तो सबसे पहले आपको दिखा दूंगा इसका ट्रांसपेरेंट व्यू, जो आप देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन लगेगा ट्रांसपेरेंट। जैसे मैं ट्रांसपेरेंट इसको करता हूं, तो अब आप देख सकते हो पूरा ऊपर से नीचे तक आपको हाउस प्लान दिख रहा होगा। ये अंदर का पूरा डिजाइन एक एक दिख रहा होगा, आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंसी में, और भी खूबसूरत दिखता है ये। चारों तरफ से आप देख सकते हो ये सीढ़ियां हैं, और ये बेड आपके रूम है, बेडरूम है, सब कुछ आपको दिख रहा है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसका, इसकी ट्रांसपेरेंसी रिमूव करके अंदर का मॉडल कितना, कितने बाई कितने का बना है, और सब कुछ पूरा डिटेल। तो इसके लिए आऊँगा मैं सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर। और जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 25 फिट है दोस्तों, चौड़ाई टोटल 25 फिट है, और लंबाई की बात करें 50 फिट है। इससे पहले मैं दोस्तों आपसे गुजारिश एक बार जरूर करूंगा, अगर आपने अभी तक न्यूटेक नाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन, तो इसमें एक सब्सक्राइब बटन आता है, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं मोबाइल फोन पर, तो इसमें सब्सक्राइब बटन आ रहा है, उस पर क्लिक कर दें, क्योंकि यहां पर मैं लेटेस्ट एंड अपडेटेड वीडियो लगातार डालता रहता हूं। अगर आपका कोई भी प्लॉट है, घर का नक्शा चाह रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका घर का नक्शा बनाकर दूंगा। और यहां पर बहुत सारे घर पड़े हैं, जैसे 20x35 का, 20x40 का, 12x30 का, 10x30 का, बहुत सारे प्लान पड़े, आप इनको भी देख सकते हो। आपका जो भी सुटेबल प्लॉट हो, उस हिसाब से यहाँ पे मैप देख सकते हो। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चैनल को, जो न्यूटेक नाम का चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसका एक फेसबुक पेज है दोस्तों न्यूटेक नाम का, आप उसको भी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी फॉलो कर लें। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं चौड़ाई की, तो 25 है, लंबाई है पूरा इसका 50 फिट। तो मैंने 25 में यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दो पोर्शन बनाए हैं, ये 25 था, अगर दीवारें निकाल दें तो 24 फिट आपका अंदर अंदर बचेगा। इसमें मैंने 12 फिट का ये निकाला है, और 12 का ये ग्राउंड निकाला है। तो 12 का ये चौड़ाई है, और लंबाई की बात करें 15 फिट, 12x15 ये आपका एक पोर्शन, और 12x15 ये है। 12x15 एक बेहतरीन सा आपका ग्राउंड बन जाता है दोस्तों, बहुत अच्छा सा ग्राउंड यहाँ बड़ा सा निकल आएगा। यदि आप ग्राउंड नहीं रखना चाहते तो अपना एक रूम भी डिजाइन कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने खुला घर बनाया है। आजकल कंजेशन ज्यादा है, तो ज्यादातर लोग खुले घर चाहते हैं, तो इसलिए मैंने सारा चीजें खुली ही बनाई है। यहाँ पर एक छोटा सा ग्राउंड 12x15, बहुत सारी जगह होती है आपका बेहतरीन का ग्राउंड निकल आता है। एक 12x15 में यहाँ पर आपकी कार पार्क हो जाएगी। वैसे कार के साइज की बात करें तो 6x10 या 6x15 ऐसा होता है, मैक्सिमम 15 नहीं, 6x10 मैक्सिमम होता है, और 6x12 भी होता है। तो ये आप कार पार्क कर सकते हैं, अपनी बाइक वाइक भी आगे पार्क कर सकते हैं, और आसानी से आज मेन गेट से आप अंदर प्रवेश करेंगे। जैसे आप अंदर जाते हैं, अब यहाँ पर 15 फिट तो मैंने निकाल दिए, बसता है आपका टोटली 35 फिट। ओके, 35 फिट में मैंने क्या किया है, अब ये 35 में अगर दीवारों को निकाल दो तो 33 बचता है, ठीक है। टोटल मैंने 33 मान लिया, तो 11 11 11 11 का ये पोर्शन हो गया, 11 का ये पोर्शन हो गया, और 11 का ये पोर्शन हो गया, 11 33 फिट में टोटल डिजाइन है अंदर का, ठीक है। अंदर की बात करें तो 24 फिट है। तो पहले वाली 11 फिट का जो मैंने ये डिजाइन दिया, तो 11x12 समझे, मतलब 12x11 की एक बेडरूम मैंने निकाल दिया। देख सकते हो यहाँ से मेन गेट है, ये एक मैंने विंडो दिया है, और इस वाले रूम के लिए एक बाहर से भी विंडो है, जिसमें आपका हवा हवा पास होती रहे। अब इसका जैसे ये पूरा आपका 12 फीट ये जमीन जगह बचती है, और 11 11 से ये बचता है, ठीक है। इसका यहाँ आप सोफा डाल सकते हैं जो भी चाहे। इसके बाद मैंने यहाँ पर पीछे की पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ये टोटल है 11 और ये आपका पूरा 24। तो 12x11 12x11 दो आपके बेडरूम निकल जाते हैं आसानी, देख सकते हो पीछे, और एक ही बेडरूम, यहाँ पर 3 बेडरूम निकला है, ठीक है। ये आपका मैंने डिजाइन किया है, ये टोटल, ये इधर की हम बात करें तो 8x6 का ये मैंने जो आपको बनाया, ये आपका किचन, यहाँ पर अपना किचन खाना वाना बनाने के लिए, इसके लिए एक मैंने यहाँ से बाहर से खिड़की दे रखी है, और एक यहाँ से गेट दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद मैं सीढ़ी की बात करूँ, तो आप सीढ़ी यहाँ पे देख सकते हो, ये सीढ़ी है टोटल 6 फिट का दोस्तों,
तीन फिट इधर लंबाई है, चौड़ाई है, तीन राउंडेड सीढ़ी है एल शेप का, तो यहाँ पर 6 फिट से 6 फिट इधर जाएगा और 6 फिट ऊपर, 12 फिट में आपका पूरा जीना चढ़ जाता है। और इसके बात करें तो टॉयलेट बाथरूम मैंने कम्बाइंड कर दिया, यहाँ पर टॉयलेट और बाथरूम ये कम्बाइंड हो गया है, 6 बाई 6 बाई ये 5 का, ठीक है, 6 बाई 5 में आपका ये टॉयलेट बाथरूम बन जाता है। और यहाँ पर आप सोफा, अब इसके बाद ये तो हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर दोस्तों, अब हम चलते हैं आपको लेकर फर्स्ट फ्लोर पर। तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर आएंगे तो आप पहले एक बार सामने से देख लो, बेहतरीन सा डिजाइन लग रहा होगा, ये तो मैंने बालकनी दे रखी है। जो आगे वाला पोर्शन था ये पार्क वाला, तो ये तो बिल्कुल खुला रहेगा, लेकिन जहां पर कार खड़ी थी ये 12 बाई 15 का, ये पूरा आपका बेहतरीन सा ग्राउंड निकल आएगा। मैंने 3 फिट का आगे छज्जा निकाल दिया और 3 फिट का इधर निकाल दिया है, तो ये बहुत बेहतरीन सा ग्राउंड आपका निकल आता है, देख सकते हो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, लोग खुला खुला कर दिख रहा होगा। अगर हम पीछे की बात करें तो पीछे दोस्तों बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपका यहाँ से किचन हट चुका है और बाद बाकी पूरा मॉडल आपका सेम है जैसा नीचे डिस्कस किया था मैंने। अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसके टॉप फ्लोर को, टॉप फ्लोर पे कुछ नहीं मैंने सिर्फ ये बना रखा है। और आप पहले सबसे पहले डिजाइन यहाँ से देख लें, ये बेहतरीन सा खुला पूरा मकान बनेगा दोस्तों, बहुत ही हवा पास होगी और बेहतरीन डिजाइन लगेगा। ऊपर मैंने कुछ नहीं बनाया, सिर्फ बस सीढ़ी को ढक दिया जिससे बारिश आ रही हो और कोई दिक्कत आपको ना मिले। तो आप ऊपर पूरा ग्राउंड देख सकते हो, अगर आप ऊपर भी डिजाइन करना चाहे तो ये आप डिपेंड करता है, डिजाइन कर सकते हो। तो बेहतरीन सा प्लान था जो 25 बाई 50 का हाउस प्लान, तो मैंने थोड़ा डिस्कस कर दूं, 3D प्लान है। तो आप दोस्तों ये देख सकते हो, यदि आप चाहते हो कि इसका एक एक जो भी इसका माप है ना, इसका जो रेडियस है, लंबाई चौड़ाई, अगर आप चाहते हो तो ये मुझे PDF फॉर्म में प्रोवाइड करवाई जाए दोस्तों, मुझे बिल्कुल स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है ना, तो आप बताइएगा, मैं इसका एक वेबसाइट डेवलप कर दूंगा, वहां पर आपको बिल्कुल एप टू डेट साइज इसमें मिलेगा, कितना गेट है क्या है, वहां पर आपको लिख कर बता दिया करूंगा या डिस्क्रिप्शन में बता दिया करूंगा। तो अगर आप ये चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों प्लान आपको कैसा लगे, हाउस डिजाइन आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को